हाय एवरीवन, आज एक राइड पे चलेंगे हम लोग मेरी पहली गाड़ी के अंदर जो कि ऑल्टो है और मेरे को बहुत प्यारी है। लोग इसको प्यार से लाल परी बोलते हैं, मैं भी इसको बहुत प्यार से लाल परी ही बोलती हूँ। स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है मैं थोड़ा सा बेसिक आपको आज ज़रूर बताऊँगी इसके अंदर। यहाँ से चलिए मैं अंदर आ जाती हूँ एक बार। जैसे बाकी गाड़ी के अंदर एक्सेलरेटर ब्रेक और क्लच होता है, सेम इस कार के अंदर भी एक्सेलरेटर ब्रेक और क्लच है। ये गियर्स इसके अंदर अवेलेबल है, मैंने इसको मॉडिफाई किया हुआ है यहाँ पे। मेरी ही रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ़िलहाल ये मॉडिफाइड कार है। इसमें अगर मैं इस लीवर के अंदर पुश करती हूँ तो ये ब्रेक होता है, और मैं इसको पुल करती हूँ तो एक्सेलरेटर होता है, और सेम फंक्शंस नीचे भी हो रहे हैं। बहुत तरीके की और मॉडिफिकेशंस अवेलेबल है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने इसी पर्टिकुलर चीज़ को करवाया हुआ है। एक बहुत छोटी सी चीज़ मैंने और करी हुई है, वो ये है कि जो क्लच पैडल है उस क्लच के अंदर, क्योंकि मेरा पैर जो है वो स्लिप कर जाता था लंबे टाइम तक उसके ऊपर रखने से, तो मैंने एक हल्की सी पत्ती बना रखी है यहाँ पे। मैं बैठ जाती हूँ इसके अंदर, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, नाउ आई एम रेडी टू गो। थोड़ा सा ड्राइव पे चलेंगे, प्लीज़ मेरे साथ एंड तक रहिएगा ड्राइविंग में, मुझे अकेले अदरवाइज बोर होता है। मेरी बातें सुनते रहिएगा, अगर आपको कोई सवाल आते हैं बीच में तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर उन सवालों को डाल दीजिए ताकि मैं आपको जवाब दे सकूँ ड्राइविंग से रिलेटेड। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जो मेरी हैंड कंट्रोल को एक्सप्लेन करता है, गाड़ी के अंदर क्या सिस्टम है उसको एक्सप्लेन करता है। मैंने आई बटन के अंदर मेंशन कर दिया, आप चाहे तो उसको एक बार ही देख लीजिएगा ताकि आइडिया लग जाए एग्जैक्टली ये सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। आप कॉन्स्टेंटली मेरे हैंड मूवमेंट को ऑब्जर्व करिएगा। एक यू टर्न लूँगी मैं यहाँ से, उसके लिए मुझे अपनी स्पीड को कम करना है तो मैंने ब्रेक लगाया हल्का, और स्टीयरिंग को भी मुझे टर्न करना है अपने लेफ्ट साइड के अंदर। और आप हैंड कंट्रोल को देखिए कि मैंने कैसे ब्रेक लगा रखा है और स्टीयरिंग को टर्न किया और गियर चेंज किया है। तो मैंने क्लच पेडल से अपना क्लच प्रेस किया, गियर चेंज किया और वापस से स्टीयरिंग को मैनेज करते हुए, स्ट्रेट करते हुए स्टीयरिंग को गाड़ी को सीधा कर लिया। जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मुझे पहली बार सुन रहे हैं उन सबको मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं एक डिसेबल्ड ड्राइवर हूँ। पिछले 18 सालों से ड्राइव कर रही हूँ, गाड़ी चलाते मुझे तकरीबन 11 साल हो गए। उसके पहले मैं स्कूटी चलाया करती थी साइड व्हील्स वाली, और मुझे पैरों में पोलियो है। मैं राइट लेग के अंदर कैलिपर पहनती हूँ, लेफ्ट लेग के अंदर ऑपरेशंस के बाद में, मल्टीपल ऑपरेशंस के बाद में थोड़ी स्ट्रेंथ आई है, इस वजह से कैलिपर पहनने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ पोलियो का इम्पैक्ट उसके ऊपर अभी भी है। चलिए एक छोटा सा क्विज करते हैं, मुझे ये बताइए कि ये जो मैं हाथ अपने स्टीयरिंग के ऊपर मैंने एक छोटी सी चीज़ लगा रखी है इसको क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि ये क्या चीज़ है, और अगर पॉसिबल हो तो ये भी बताइएगा कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको लगाने से क्या होता है और कब कब ये यूज़ में आता है। मैं ऑलमोस्ट अपने घर पर पहुँच चुकी हूँ, अगर कोई भी सवाल है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल सब जगह पे मैं अवेलेबल हूँ। मुझे प्लीज़ अपनी क्वेरीज़ को सेंड कर दीजिएगा, मैं इमीडिएटली जवाब दूँगी। नेक्स्ट वीडियो मेरा होएगा ऑटोमेटिक गाड़ी के ऊपर कि किस तरीके से ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर हैंड कंट्रोल यूज़ किया जाता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। डू लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग रिलेटेड टू ड्राइविंग एंड डिसेबिलिटी। I will try to cover in my videos and share with the rest of the world. Thank you so much for watching.